अच्छा कंपनी के द्वारा आप हेल्प कर पाएंगे। राहुल भाई ने थोड़ा सा नंबर शेयर, जो जो पुरानी चीज है वो अलग ही चीज होती है। ज़ॉम्बी वाला ट्रक लग रहा है बिल्कुल है। एक घंटे में 3.5 लीटर डीजल खाती है। 3.5 जो न्यू गाड़ी है वो आज की तारीख में इतना माइलेज नहीं निकाल रही। स्टार्ट करके दिखा सकते हैं आप? मतलब दे भाई देख, 13 से 15 लाख के बीच में आता है। मैंने भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हो गया, 26 लाख। 5 लाख रुपए महीना भी कमा के देती है ना भाई। ये गाड़ी चलाना दूसरी गाड़ी चलाने में सिर्फ इतना फर्क है कि सबसे अच्छी चीज ये है इसके इंजन के बारे में, इसमें भी 24 घंटे रहती है मौत जी, और इसमें भी 24 घंटे मौत। बाकी जो बच रहा है वो आपका पैसा हो जाता है। नाइन तो मेरी हलवाई की थे। अच्छा हलवाई की? MP का शासन है ना, वो सबसे बेकार है। UP के कांग्रेस सब मर गए, एक भी कहीं दिखता कोई नहीं। तुमको पूछेगा गाड़ी खुली कर, नोट्री 8 बजे लगती है, मैं अंदर से 6 बजे निकला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये देखिए पूरा व्हाइट कलर का अशोक लेलैंड का ट्रक है। और सबसे पहले मैं मिलवा दूँ हमारे साथ हमारे राहुल भाई। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत, और बड़े स्मार्ट बंदे हैं, भाभी से बात कर रहे हैं अभी। इस पर देखेंगे आप भाई, पहले पुराना ट्रक है, लिखा नेतागिरी भैया। ये पहले इसमें नंबर वगैरह कहीं नहीं लिखा है, और जो अपन ने इन्फॉर्मेशन निकाली, ये जो ट्रक है ये है 2516 XL। आप देखेंगे तो बड़े ट्रक निकल रहे हैं, 2516 XL इसका मॉडल है। पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट इसमें आता है 25,000 kg। वो टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, 160 HP की पावर है, 550 Nm का इसमें टॉर्क मिल जाता है, 52 फिट की इसकी बॉडी है। पूरा 10 टायर ये ट्रक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है इसके इंजन के बारे में कि 5,660 cc का इंजन और 6 सिलेंडर इंजन आ जाता है, मतलब 10 टायर में, तो ये अच्छी चीज़ है। तो राहुल भाई हमारे साथ हैं, वो इस ट्रक को परमानेंट चलाते हैं। और पीछे से खुला, ये पूरा AC लगा हुआ राहुल भाई इसमें, मतलब बाकी ट्रकों से थोड़ा अलग ये ट्रक है राहुल भाई। तो पीछे थोड़ा तामझाम बताइए, पहले पीछे का तामझाम बताता हूँ फिर आगे बताऊंगा। ये देखिए पुराना बना हुआ, फुल वाइट कलर की बॉडी है, नीचे रेत है, और ये रेत से हम निकल चुके हैं यहाँ पे। ये स्पेयर व्हील लगा हुआ है, और ये पीछे पहली बार AC ट्रक है, मतलब कंटेनर खुला मिला है, वो भी AC ट्रक का, तो कैसा कि अंदर से होता है। अंदर स्टील बॉडी होती है, पूरी स्टील बॉडी होती है, स्टील बॉडी होती है। इसमें जो भी माल चलता है वो भी रहता है, क्या चॉकलेट मक्खन आइसक्रीम जी, मतलब ठंडा वाला माल रहता है इसमें, टोटल ठंडा वाला माल होगा। तो ये मतलब ये कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं इसमें? कितना भी कर सकते हैं इसमें, 4 दिन 8 दिन 15 दिन तक, 20 दिन तक भी, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे देखिए ये इसमें लोहे के ऐसे बने हुए रहते हैं, सामने वो सारा स्टील का, और ये सामने AC वगैरह भी इसमें लगा हुआ है, सामने पूरा तामझाम वहीं से होता होगा। और ये लाइट लगी हुई है ऊपर की तरफ, बाकी और कोई बटन्स वगैरह अंदर नहीं दे रखे हैं ना? नहीं, बाकी पूरा देखिए ऐसा है, इसमें कुछ नहीं रहता है, सारा कुछ अंदर से होता है, उधर से सिस्टम, सारा कुछ अंदर से सिस्टम होता है ना यहाँ से। तो ये सब आप बता दीजिए। जैसे राहुल भाई आप कितने टाइम से कर रहे हैं ट्रक में? मेरे को 8 साल हो गए ट्रक लाइन में, तो यही ट्रक चलाते चलाते एक ही कंपनी में 8 साल? दूसरे ट्रक आपने चलाए नहीं है? नहीं, दूसरे में अपन को इंटरेस्ट नहीं ना, अपनी कंपनी बड़ी है, अपन को कोई कंपनी से दिक्कत नहीं ना। तो मतलब इन कंपनियों में एकदम से जुगाड़ लगना तो मुश्किल होता है, आपकी जुगाड़ कैसे लग गई फिर एकदम से? जुगाड़ क्या, अपने और भी लोग हैं ना, हम घर से 5-6 भाई हैं गाड़ी लाइन में सब। अच्छा, सब पहले पास अपनी खुद की गाड़ी थी, पहले खुद की गाड़ी थी, ओपन गाड़ी जो होती है, तो उनसे जुगाड़ करके आप यहाँ पे आ गए? वो गाड़ी खुद की थी, तो पहले से एक्सपीरियंस था गाड़ी चलाने का। अच्छा, हम लोगों के क्या के वो गाड़ी बंद कर दी चलाना कुछ, तो इसमें डायरेक्ट लगने के लिए तो गारंटर चाहिए होता है ना? गारंटर सब मिल जाते हैं, एक कंपनी में एक बंदा घुस गया सब हम आ जाते हैं। तो आप रहने वाले कहाँ के राहुल भाई? मैं जिला भिंड। अच्छा, जिला भिंड के रहने वाले, तो वहाँ पे मतलब गारंटर आपने लगा दिया होगा आपका तो इस कंपनी, क्योंकि क्या है कि ये वाली जो गाड़ियाँ है इसमें सैलरी अच्छी मिल जाती है। सैलरी तो भैया सब में सेम ही है सैलरी, नहीं जैसे बॉडी गाड़ी रहती है उसमें इंसान 12-15 हज़ार तक कमाता है, इसमें तो शायद 20-25-30 हज़ार तक भी इंसान कमा लेता है। कमाने की बात तो अलग हो जाती है, वो किस्मत का खेल है जी। इसमें क्या पेमेंट वगैरह मिल जाता है? पेमेंट तो 8 हज़ार है वेतन। हाँ, कमाने सिस्टम ये का कि गाड़ी आज के समय में जो खर्चे फिक्स चलते हैं। हाँ, किस्मत का खेल है, अशोक लेलैंड गाड़ी ओवरेज वगैरह ठीक निकाल देती, इसलिए इन पे गाड़ी आदमी पकड़ के बैठ जाता है। तो मतलब 30-40 हज़ार रुपए इसमें कमा लेता है वो खर्चे निकाल के। इतने का कोई क्या माइलेज निकाल के दे रही है गाड़ी आप? ये हमारी अभी 5 का माइलेज निकाल रही है। क्या बात है, मतलब बढ़िया है, माइलेज निकाल के दे रही है। तो मतलब आपको एक माइलेज देते होंगे वो कि इतना माइलेज निकाल दो, बाकी जो बच रहा है वो आपका पैसा हो जाता है। कंपनी 4 का माइलेज मांगती है, 4 का मांगती है, तो आप आराम आराम से ले जाते हो। इसमें ड्राइवर की सेफ्टी भी है क्योंकि वो आराम से गाड़ी चलाएगा, माइलेज भी ज्यादा निकलेगा, कमाई भी ज्यादा होगी। तो लेकिन ये है राहुल भाई, दूसरे ट्रक से इन ट्रक के भाड़े और कमाई ज्यादा होती है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, वो हकीकत बात है। तो क्या जब ओपन वाडी का भाड़ा से लग के जाएगा 80 हज़ार, तो इसका जाएगा 120।
मतलब डायरेक्ट 40,000 भाड़ा ज्यादा पड़ेगा, 40-50,000 भाड़ा, मतलब 40% ज्यादा कमाई करके देगी ये दूसरे ट्रक से। हाँ। तो ये कंपनी में ही चलते हैं, खुद का भी इंसान चला सकता है इसे, खुद का भी चला सकता है, खरीद के चला सकता है, कॉन्टेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके भाड़े मिल जाते हैं इतने? आज की तारीख में इस गाड़ी में खड़ी नहीं हो पाती है, अरे एक दिन से ज्यादा खड़ी नहीं हो पाती, सुबह खाली हुई है, अभी मेरे को जाना बनने के लिए। तो कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप इसे? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कहीं भी चलती है? कहीं भी। तो एक छोटा मोटा भाड़ा बताइए ना, जैसे कहाँ छोटी जगह आप ले गए हो वहाँ का क्या अंदाजा इसका भाड़ा हुआ होगा? भाड़े का इतना मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ, कंपनी रखती है, कंपनी रखती है, अपनों को कोई मतलब नहीं होता भाड़े से, अपनों को अपने खर्चे से मतलब होता है। अच्छा राहुल भाई, आपने जैसे बताया आपको 8 साल इस लाइन में हो गए, तो आप तो अच्छे खासे जवान और स्मार्ट बंदे हैं, तो मतलब 8 साल पहले क्या सोचा, क्या दिमाग में आया कि अपन ट्रक लाइन में आ गए दूसरी सब लाइन को छोड़ के? लाइन तो मेरी हलवाई की थी। अच्छा हलवाई की, तो उसमें भी कमाई अच्छी है भाई। कमाई ठीक है उसमें, मगर कितने भी पुराने हो जाओगे पगार कर रही करके 18,000 रुपये होगी वेतन, उससे ज़्यादा नहीं होगी, लास्ट 18,000 हो जाएगी। हमसे दो बड़े भाई हैं, उनको आज कम से कम 15-20 साल हो गए हैं जी हलवाई काम करते, 17-18,000 रुपये वेतन है। अरे तो इससे ज़्यादा मेरे खर्चे हैं। हाँ मतलब खर्चे तो हैं। तो शादीशुदा नहीं है अभी आप? शादी अभी होने को बाकी है 2-4 महीने बाद। घर में और कोई भी काम है या फिर सिर्फ यही करते हैं? नहीं मैं तो यही काम करता हूँ गाड़ी लाने। घर में और कोई बिजनेस नहीं है? बिजनेस घर का हुआ है, मतलब घर का बिजनेस में अपन को इंटरेस्ट नहीं है, अपन गाड़ी लाने में इंटरेस्ट। तो आप बोर नहीं होते इतना इतना दिन बाहर रहना और मतलब ऐसे जाना? कुछ नहीं होता, आते जाते रहते हैं ना। 8 साल में आपको इस ये लाइन कैसी लगी, परेशानी ये लगी या फिर आपको ऐसी अच्छा लगा? परेशानी तो हर लाइन में है, ऐसा कोई काम नहीं जिस लाइन में परेशानी हो ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, आज हलवाई का काम कर लो उसमें भी 24 घंटे रहती है मौत, और इसमें भी 24 घंटे मौत रहती है। काम कोई भी कर लो तो भाई मौत तो सब जगह है, इसमें जी है कि साले एमपी के आईटीओ ना पुलिस वाले साले हरामी हैं, एमपी के ज्यादा परेशान कर रहे हैं एमपी के। तो इसमें क्या परेशानी है, तो पूरी गाड़ी आपकी पैक, इससे क्या लेने देना? अरे साले तो भी एंट्री चाहिए उनको, इसमें तो कागज दिखा दो ना भाई आपकी, भाई पूरी गाड़ी लीगल है हमारी। जो ये एमपी का शासन है ना वो सबसे बेकार है। अच्छा, दो शासन मैंने अभी तक जिंदगी में देखे हैं, एक राजस्थान का एक एमपी का। राजस्थान में भी बहुत परेशान करता है, राजस्थान के आईटीओ और एमपी के, ये सबसे बकवास है। बाकी हर जगह आईटीओ यूपी के कहां गए, सब मर गए, एक भी कहीं दिखता रोड पे टीआई आईटीओ को यूपी में नहीं ढूंढे मिलेगा आपको। अच्छी यूपी की बात कर रहा हूँ। सही बात है, आंध्र कर्नाटका कहीं भी चले जाओ, हाँ हिमाचल पंजाब कहीं भी चले जाओ, कहीं स्टेट में आईटीओ टीआई नहीं मिलेगा आपको। सही बात है। मुझे सबसे बढ़िया एरिया लगी साउथ। साउथ? हाँ साउथ तो यार बहुत जबरदस्त है, गॉड्स ओन कंट्री। कोई नहीं तुमको पूछेगा, गाड़ी खुली खड़ी तो खुली खड़ी रहे तुम्हारी पीस से, परेशानी नहीं है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा एमपी में रात को यहाँ रुक गए ना तो सुबह जगेंगे तो टंकी साफ मिलेगी, टंकी साफ मिल जाएगी, डीजल खाली हो जाएगी। मतलब आरटीओ की परेशानी के साथ चोरी चकारी भी उतनी ज्यादा? चोरी चकारी एमपी में सबसे ज्यादा है। अरे यार मतलब ये तो गलत है यार, मतलब यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता होगा। सावधान नहीं, अभी खड़ा हूँ बस घंटे खान, अभी होटल भग जाऊंगा यहाँ से, या अभी पार्किंग में ले जाऊँ गाड़ी, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करना पड़ेगी, बिना पार्किंग काम ही नहीं चलेगा। तो मतलब इन गाड़ियों को भी आरटीओ परेशान करता है? आरटीओ भाई सब गाड़ियों परेशान करते हैं, आरटीओ तो करते करते मैं पुलिस वाले एमपी साल जाना परेशान करते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं। उसमें फिर आपका जेब खर्च भी थोड़ा लग जाता होगा? जेब खर्च आज भी अभी आया हूँ मैं मॉर्निंग, जब अंदर नॉन्ट्री 8 बजे लगती है, मैं अंदर से 6 बजे निकला हूँ, फिर भी 2400 रुपए देख निकला हूँ। क्या बात कर रहे हैं, 2400 रुपए? 2400 रुपए देख निकला हूँ। अरे रे रे, हद हो गई, तो लूट लिया पूरा, लूटने का काम ही एमपी वालों का। अच्छा राहुल भाई, जैसे कोई नया बंदा है उसको इस टाइप के कंटेनर में नौकरी चाहिए तो क्या कर सकता है भाई? इसमें जैसे जैसे कोई स्टाफ का पहले का बंदा होगा कंपनी, जैसे हम पहले के हैं, हाँ। तो कंपनी मालिक कोई स्टाफ चाहिएगा तो मेरे से बात करेगा, हाँ। तो जैसे कोई नया बंदा होगा वो मेरे संपर्क करेगा तो हम उसको बताएंगे भाई। तो उनकी उनकी जो हेल्प है वो कैसे हो पाएगी राहुल भाई? मतलब मैं आपको कंपनी का नाम बता रहा हूँ अभी। अच्छा, कंपनी के द्वारा आप हेल्प कर पाएंगे? राहुल भाई ने थोड़ा सा नंबर शेयर करने का मना कर दिया कि भाई मैं नंबर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पर्सनल मामला रहता है। देखिए ये कंपनी है, मतलब रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, स्वर्ण उत्सव ये लिखा है, हेलमेट सीट बेल्ट लगा, ये क्या है मतलब? आरसी कंपनी का। तो ये कंपनी है कहाँ पे? ये एड्रेस इसका यह है, मैं दिखा दूँ आपको, SCO 96 सेकेंड फ्लोर सेक्टर 10A नियर 2 खानदासा क्या रोड गुड़गांव हरियाणा। भाई ये देख लीजिए, मैंने आपको क्लियरली ऊपर वो भी लिखा हुआ नाम, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है भाई, नागवान एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कुछ ऐसे करके, ड्राइवर भाई से जुगाड़ हो जाए आपकी। और हमारे भाई कहाँ, भिंड के रहने वाले हैं, है ना? हाँ, वहाँ आपको कभी मिल जाए राहुल भाई तो आप उनसे रब्ता करके कर सकते हैं। राहुल भाई आप इसका थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा सिस्टम बता दीजिए हमें, और ये तो पूरा दिखाई दिया है हमने, टायर वगैरह सब आप लोगों को लगभग ताम झाम। वो डीजल टैंक कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा मुझे इसका, 500 लीटर का डीजल टैंक है।
और ये राहुल भाई का ट्रक, ये देखिए ओपनिंग है ये इसकी, वहाँ से भी खुल जाता, दोनों जगह से खुल जाता है। सो गया बंद करके, तो ये वो भी वही ट्रक है ना सेम सामने वाला, वो दिखा दीजिए अंदर से, कोई मसला नहीं भाई। देखो दोनों ट्रक सेम है भाई, सो गया रात भर के जगह हुए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे भाई ने बता तो दिया कि इसमें जॉब इस तरीके से मिल सकती है या वहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन इसमें जॉब उन्हीं लोगों को देंगे जिनको ये गाड़ी चलाना आता, क्योंकि ये गाड़ी चलाना दूसरी गाड़ी चलाने में सिर्फ इतना फर्क है कि देखिए गाड़ी तो नॉर्मल है जो आप चलाते हैं वैसे ही चलती है, लेकिन जो एसी है इसमें इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि एसी पे करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, एसी बंद तो नहीं हो गया, पता चला एसी बंद है आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं माल ख़राब हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपके कंट्रोल में रहती हैं और आपकी जिम्मेदारी पर रहती हैं, तो ये सब चीज़ें एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है लेके उसके बाद आप इसे चला सकते हैं। ये भी पूरा ओपन है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये मतलब कौन से मॉडल होंगे ये ट्रक राहुल भाई? 18 मॉडल है, 2018 मॉडल। एसी मतलब एसी कंडीशन हो गई इसकी भाई, जब रात दिन बजेंगे तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी ना। महीने में 17-18 हज़ार किलोमीटर चल जाती गाड़ी, 17-18 हज़ार किलोमीटर चल जाती, मतलब खूब ज्यादा ही चल रही है गाड़ी। उधर से आता हूँ मैं, आप बैठिए, आप इधर से बैठिए। हाँ भाई देखें, पुराना ट्रक लग रहा है काफी, लेकिन 18 मॉडल है तो 4-5 साल ही हुआ, लेकिन ये ऐसा बना हुआ क्यों है भाई? ये पूरी इसकी ओपनिंग है, ये देखो। अरे 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 ये देखो कंडीशन तो बड़ा, मतलब खूखा ज़ॉम्बी वाला ट्रक लग रहा है बिल्कुल। है हाँ सही बात है, ऐसा हो जाता है। अयो ये देखिए भाई, ये पूरा भाई का अंदर से ट्रक है, बिल्कुल पुरानी कंडीशन में बना हुआ है, और ये देखो डैशबोर्ड वैशबोर्ड, ये 2018 मॉडल नहीं लग रहा लेकिन राहुल भाई बिल्कुल भी 2018 ही मॉडल है। ये एसी का सिस्टम, एसी का सिस्टम, क्या सिस्टम है राहुल भाई? यहाँ से ऑन हो गई, हाँ ये देखो ऑन हो रही है, यहाँ से एसी ऑन हो जाएगी, यहाँ से ऑन होगी, यहाँ से ऑफ होगी, यहाँ से ऑन होगी, यहाँ से ऑफ होगी। हाँ तो लेकिन ये बात है, आप जो बोल रहे हो 5 का माइलेज मिलता है, तो एसी पे तो माइलेज कम हो जाना होगा ना? एसी का अलग एंड सिस्टम है, मतलब उसका डीजल से कोई लेना देना नहीं, उसका एसी का टंकी में डायरेक्ट पाइप लगा हुआ है, डीजल टंकी में। हाँ एसी एक घंटे में 3.5 लीटर खाती है, एक घंटे में 3.5 लीटर डीजल खाती है, 3.5 लीटर, तो उसका अलग है, गाड़ी का अलग, गाड़ी का अलग सिस्टम है। अच्छा तो उसका अलग मिलता होगा आपको, उसका अलग मिलेगा, इसका अलग मिलता है। टोटल कितने गियर आ रहा है? 6 गियर में 6। तो ये है पूरा एसी का तामझाम, और एसी से मतलब लोड वोड पे भी फर्क नहीं पड़ता इसके? नहीं नहीं नहीं, मतलब अलग ही सिस्टम है, अलग सिस्टम है। अंदर तो इसमें एसी आता नहीं है, अंदर तो खाली फैन लगा रखा है बस। हाँ ये पीछे खाली फैन लगा के रखा है, और ये आधा डैशबोर्ड है इसका और आधा गायब है। ये यहाँ पे जो वाइपर का शायद वो पानी वानी डलता होगा, स्टीयरिंग ऑयल का दिखता है। अच्छा स्टीयरिंग ऑयल यहाँ से डलता है इसमें, ये बिल्कुल पुराना वाला फील दे रहा है भाई। खाना वाना भी यही बनाते शायद, गैस की टंकी वगैरह रखी हुई है, सब कुछ यही बनाता है? सब कुछ। अब अकेले ही चलते हैं इस ट्रक में? हाँ मैं हमेशा अकेले चलता हूँ। तो कोई मतलब क्लीनर वगैरह कुछ भी, कंडक्टर वगैरह? कंडक्टर आजकल कोई कंपनी पगार नहीं देती ना भाई, क्यों? कंडक्टर खुद को रखना पड़ता है, खुद को रखना पड़ता है, जैसे तो कोई पगार नहीं दे। अच्छा आपके साथ कोई ऐसी फ्री में भी रहना चाहे तो रख सकते हो उसे भाई? आज की तारीख में इतना किसी का टाइम नहीं फ्री में रहेगा। लेकिन सीखने के तौर पे कोई रहना चाहेगा तो कोई मना नहीं करता किसी। तो आप कहाँ मिलेंगे उन्हें? मालनपुर की, मालनपुर में जो कैटबरी फैक्ट्री है ना। हाँ मालनपुर में, मालनपुर कहाँ है? उत्तरी एमपी पड़ जाता है, भिंड के पास में। हाँ भिंड के पास में मालनपुर है, वहाँ पे कैटबरी फैक्ट्री है। हाँ वहाँ मेरी गाड़ी महीने में 3-4 बार जाती है। किस किस टाइम जाती है कोई अंदाजा है आपको? नहीं सर, महीने में 3-4 बार जाती है इतना पता रहता है। अच्छा तो वहीं मिल सकते हैं आप? हाँ तो वहाँ मिल सकते हैं, तो वहाँ भाई से हो सकता है। अभी भाई फिलहाल भोपाल में है, भोपाल में कम ट्रिप पड़ती होगी आपकी? इधर में आता हूँ, कम आता हूँ, मंडी दीप में कम आती। स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं आपने पीछे? लेकिन एक बात है राहुल भाई, इसमें थोड़ा कम्फर्ट नहीं होगा ट्रक में, नए ट्रकों जैसा? मतलब थोड़ा सा वैसा जो न्यू गाड़ी उनकी चाल ढाल अलग होती है। हाँ अपना अपना अभ्यास पड़ जाता है। जो न्यू गाड़ी है वो आज की तारीख में इतना माइलेज नहीं निकाल रही है। हाँ ये बात तो है, माइलेज बिल्कुल नहीं निकाल रही है। जो पुरानी चीज है वो अलग ही चीज होती है, पुरानी चीज माइलेज अपने हिसाब से निकालती है, वो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हो जाती है। ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है भाई। हाँ ये बात तो सीधी है। आपका एक्सपीरियंस इस ट्रक को लेकर कैसा रहा? बढ़िया, पावर वावर सब? मैं 2018 सीसी को चला रहा हूँ, जब से गाड़ी निकली है ना तब सीसी को चला रहा हूँ अभी तक। मतलब बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन चल रही, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मतलब कोई कहीं फेल वेल तो नहीं हुई कभी इस गाड़ी? नहीं नहीं, घाट माट पे फेल हुई हो ऐसा कुछ? में कैसा भी घाट हो, अशोक लीलैंड की खासियत है, गाड़ी रुकती नहीं है। अच्छा हाँ, जहाँ जहाँ तुम्हारी टाटा की 2 नंबर में चलेगी वहाँ ये, जहाँ टाटा 1 नंबर में चलेगी वहाँ ये 2 नंबर में चलेगी। क्या बात है, टाटा से इसमें दम जाना है। अच्छा टाटा तो इसमें दम दादा, पुरानी अशोक लीलैंड में। क्या बात है, क्या बात है। सबसे कंडम गाड़ी आइसर की चल रही है। एक बार स्टार्ट करके दिखा सकते हैं आप?
मतलब दे भाई देखें साउंड भी सुन ले गर्राटे वाला साउंड पुराने टच का। ये देखो भाई ये हॉर्न हॉर्न क्या है हॉर्न बहुत तेज हॉर्न है। अच्छा फील आ रहा पुराना वाला। ये तो बहुत ज्यादा झर्रा भी नहीं रही है गाड़ी बंद कर दी। गाड़ी नई हो या पुरानी उसका जो मेंटेनेंस टाइम पे होना चाहिए। लेकिन इसका मेंटेनेंस में खर्चा कितना आ जाता होगा भाई? मेंटेनेंस खर्चे भी मत कहो साल में कितने का आ जाता है फिर भी अंदाजन साल में कम से कम 13 से 15 लाख के बीच में 13 से 15 लाख के बीच में आता है मेंटेनेंस खर्चा साल में। हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई जब महीने में 17-18 हजार किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो खर्चा नहीं आएगा? तो मतलब हर महीने 1 लाख रुपए तो इसका खर्चा आ रहा है मेंटेनेंस का? हाँ खरा खर्चा आएगा महीने। तो इतना खर्चा हो जाता हद हो गई। तो मतलब क्या क्या लगता है ऐसा इसमें? भाई मेरी गाड़ी का जो टायर है 3 महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं। 3 महीने से? हाँ। एक जोड़ा कितने का? एक जोड़ा टायर 28 हजार का है। अच्छा मतलब 3 महीने से ज्यादा चलते ही नहीं। हाँ तो इसमें है 10 टायर टोटल? 10 टायर है उसमें। कुछ टायर तो जैसे अब कहीं टाइम का माल भरा था स्पीड गाड़ी चल रही तो कब पड़ भी जाते हैं। तो ये एसी वेसी का खर्चा भी आता होगा? मतलब ये जो सब मिला के बता रहे हो आप गाड़ी का मतलब सारा खर्चा आता है मेंटेनेंस खर्चा जैसे हुआ गाड़ी का गाड़ी और टोल फोल सब मिला के बता रहे हो? वगैरह नहीं भाई सिर्फ मतलब मेंटेनेंस ही मेंटेनेंस मेंटेनेंस खाली एसी का मेंटेनेंस गाड़ी का मेंटेनेंस मतलब लाख रुपए महीना तो सिर्फ गाड़ी का मेंटेनेंस ही भाई नॉर्मल है। तो फिर ये गाड़ी कमाती कितना होगी भाई? इतना मेंटेनेंस निकाल रहा मतलब अगर साल भर का 12 लाख भी मेंटेनेंस मान लो तो कमाई क्या होती होगी इस गाड़ी की? तो भाई बोल रहा भाड़े ज्यादा है तो मेरे ख्याल से कमाती भी फिर उतना ही डबल होगी। जितना खर्चा जिसका जाना उतनी गाड़ी कमाती भी जाना। आपने बताया कि चलती भी बहुत है भाड़ा भी बहुत है इसका और ये एसी वाले माल कैडबरी चॉकलेट तो लगता ही रहता है मास चलता है। तो ये आराम से भाई मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाजा 3-4-5 लाख रुपए महीना तो कमाती है। 3-4-5 लाख महीना 5 लाख रुपए मतलब 3-4-5 लाख रुपए महीना इस गाड़ी से आम बात है। तो आम बात तो जो ओपन वाड़ी गाड़ी है तुम्हारी वो 50-60 लाख में तैयार हो जाएगी। सही बात है। इसका जो एसी का डिब्बा है ना हाँ। वो 28 लाख का है पूरा ये डिब्बा ही 28 लाख डिब्बा डिब्बा और उसकी जो एसी है ना 26 लाख की एसी लगा रखी है। 26 लाख की एसी? हाँ भाई ये तो ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हो गया 26 लाख की एसी है। अरे बाप रे बाप मतलब ये पूरा जो डब्बा तैयार हुआ है 50 के आसपास पड़ गया क्या? पड़ता है तो खर्चा बहुत इस गाड़ी में। मुझे क्या इतना आइडिया नहीं इस गाड़ी के बारे में। आप चला रहे तो आपको ज्यादा जितने की गाड़ी नहीं ना उनसे जाना का वो लग जाता है एसी में पीछे का ताप। अच्छा हाँ। पीछे का पूरा तामझाम में मतलब आपका लाखों का खर्चा आ जाता है? लाखों का खर्चा आ जाता है मतलब टोटल एसी और वो मिला के 28 लाख का पड़ जाता है? नहीं 26 लाख की तो एसी है खाली ओनली पूरी एसी डिब्बा तो अलग है उसका। 26 लाख की एसी? बाप रे बाप भाई मेरा बड़ा भयंकर खर्चा है इस ट्रक का यार। मतलब भाई देखिए ये खर्चा कम से कम 1 करोड़ में तैयार होती है एक गाड़ी तभी तो 5 लाख रुपए महीना भी कमा के देती है ना भाई। सीधी सिंपल सी बात है जो जिसके पास पैसा भाई ले लो ये गाड़ी और अपनी जुगाड़ बैठा लो। ट्रांसपोर्टर से माल मिलता होगा इसका भी क्या? ऐसे माल मिलेगा और ऐसे चल जाएगा। और हमारे राहुल भाई के साथ बहुत बढ़िया बातचीत हो गई हमारी। बिंदास लड़के हैं बहुत अच्छे हैं नौजवान हैं और अभी भाभी से बात कर रहे थे मैंने डिस्टर्ब कर दिया। चलिए राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे राहुल भाई के साथ छोटी मोटी बातचीत। गाइस करता नहीं हूँ होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।